तो दोस्तों बॉल रेसर फील्डिंग करते हुए आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलेगी शायद ही किसी ने इस तरह की जानकारी दिया होगा। मैं बहुत ही बारीकी से बताया हूं कि बॉल रेसर फील्डिंग करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही एक अच्छे मैकेनिक, साफ सुथरा मैकेनिक बन पाएंगे। इस वीडियो में बने रहें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं कासिम मोटो झारखंड गुडानी से, चैनल में बाइक रिपेयरिंग से जुड़ी हर रोज वीडियो मिलेगी। ये हीरो की पैशन नेक्स्ट प्रो बाइक है। इसका हमने हैंडल खोल के रखा है। हैंडल जब भी भारी लगता है या फिर काफ़ी ज़्यादा हर्ज लगने लगता है तो ऐसे में हमें हैंडल खोलना पड़ता है और देखना होता है कि आखिर क्या दिक्कत हुई है। तो इस बाइक का जो हमने हैंडल खोल के रखा है तो हमने देखा कि इसका जो बॉल रेसर गोली कटोरी वगैरह होता है ये ख़राब हो चुकी है। तो इसे हम चेंज करने वाले हैं। दोस्तों ये ख़राब कैसे होता है आपको बता दें, कैसे पता करना है आपको। जब भी इसे आप खोलेंगे तो इसमें जो बॉल लगा हुआ होता है वो जंग लगा हुआ सा दिखाई देगा, और उसके साथ ही ये जो कटोरी देख रहे हैं जो कप होता है इसमें गड्ढे गड्ढे सा निशान आ जाता है। ठीक है, ये गड्ढे गड्ढे निशान आने के बाद जो है ये काम नहीं करने लगता अच्छे से। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, चेंज करना पड़ता है। तो फाइनली इस बाइक में हम हीरो की जेन्युइन लगाने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो भाई ये है हीरो का जेन्युइन बॉल रेसर जो अचीवर, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ये सभी बाइकों में ये लग जाती हैं। तो इसी को हम लगाने वाले हैं। चैचीज़ बिल्कुल सेम ही होता है, दोनों एक ही लगेगा, इसका अलग से नहीं आता है। पैशन प्रो, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्रो, ये सब का एक जैसा होता है। तो इसे हम लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा होता है ओरिजिनल जेन्युइन का, और इसे कैसे चेंज करना है वो आपको बताएंगे। कौन सा कप, कौन सा जो बैरिंग है इसका वो कहाँ लगेगा वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे इसकी MRP जो होता है 390 रुपये का होता है, और ये जो है मतलब 21 का ही प्रोडक्ट है। हो सकता है 2022 में ज़्यादा इसका प्राइस हो गया हो। ठीक, तो इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हीरो का ये जेन्युइन बॉल रेसर है। चक्का शक्कर के साथ में आप खोल सकते हैं मडगार्ड को, उसके बाद हैंडल का टी निकालना है और फिर इसे हमें चेंज करना है। तो चलो इसे चेंज करते हैं। रेसर चेंज करने के लिए आपको इस तरह का एक एक्सल की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक्सल है हमारे पास, और सबसे पहले हम ऊपर का ही खोलते हैं। हेलो, भाई ये हीरो का बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पे देख लेता हूँ पार्ट नंबर वगैरह कुछ। ये देखिए यहाँ पे अब हीरो का अपना ब्रांडिंग दे रहे हैं, जबकि पहले हीरो का अपना ब्रांडिंग नहीं होता था। ये दो रेसर में कोई अंतर नहीं होता है, इनमें से जो चाहे आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं, लेकिन पहले मुझे नीचे वाला लगाना होगा। उसके लिए आपको पुराना रेसर लेना है एक, और फिर एक गोटी लेकर ऐसे ठोकना है।
अब हमने जो रेसर ठोका है उसे हमें निकालना है। रेसर थोड़ा लूज हो गया है, हालांकि अंदर में जो हमने डाला वो लूज नहीं, वो टाइट है पूरा। अब ये ऊपर ठोकेंगे, अब हमें हैंडल के टी का निकालना है। थोड़ा सा जैसे मुझे खोलने में ये मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा गार्ड वगैरह यहाँ बन गया है। अब देखिए बगल, अब यहाँ पे देखिए मैं ये वाला रेसर लगाना है, पहले यही लगा हुआ था मोटा वाला, इनमें से जो पतला वाला है ये ऊपर की ओर लगेगी और ये नीचे से। इसके लिए हमारे पास इस तरह का एक पाइप है और इसमें हमने एक रेसर ही लगा के रखा है। अब ये पुराना वाला एक रेसर में डालना है ऐसे, और फिर एक ऊपर से ऐसे डालना है। अगर आपके पास ये लंबा पाइप है तो फिर उतना डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम इसे ठोक देंगे। इस तरीके से रेसर की जो है फिटिंग वो हो चुकी है। अब ऊपर से हम रबड़ का कवर लगा देंगे जो कि नीचे की ओर लगेगी। कटोरी और बॉल लगा देना है। अब इनमें से कुछ भाई लोग क्या करते हैं, इसका जो ये छर्रा होता है ये खोल कर फेंक देते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि कल अगर आपको ग्रीसिंग करना रहा तो फिर काफ़ी मुश्किल होगी बिना छर्रा लगाए। एक ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हैंडल फिटिंग करते समय बहुत बार मैकेनिक लोग क्या करते हैं, हैंडल रेसर लगाने के बाद जब हैंडल वगैरह हर चीज़ चौकर वगैरह फिट कर देते हैं तो 5-6 से 10 मरतबा जो है उन्हें हैंडल को सेट करना पड़ता है, इनकी कभी लूज हो गया ज़्यादा टाइट करने के चक्कर में। बस मैं जो एक बार में सिर्फ आपको इसी जगह सेटिंग करके दिखाऊँगा हैंडल इसे लगाते समय, और दोबारा मुझे हैंडल को सेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से हम सेट करते हैं। इस एडजस्टर को लगाने में बहुत लोग जो है मिस करते हैं। मैं एक बार में सेटिंग करूंगा इसको, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए इसे लगाने के बाद जो है इसे मैंने फुल टाइट किया, ठीक है, लेकिन हम इसे फुल टाइट रहने नहीं देंगे। थोड़ा सा मुझे क्या करना है यहाँ पे, ऐसे ये इतना हमें लूज करना है, इतना हमने लूज कर दिया, हैंडल फ्री है। अब देखिए इसके ऊपर जो हैंडल का प्लेट लगाएंगे, ये वाला वाइजर प्लेट लगाएंगे, और ऊपर से जो बोल्ट कसेंगे 29 या 30 नंबर का, तो ये जो है हैंडल जो है फिक्स हो जाएगा, ज़रा सा भी हज महसूस नहीं होगा। अभी भी फ़िलहाल हज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद जो है मुझे सेटिंग करना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे कुछ लोग क्या कर देते हैं, बहुत मतलब 3-4 मरतबा सेटिंग करते हैं, वो आवाज़ करता रहता है। तो ज़्यादा टाइट में नहीं रखना चाहिए वरना बॉल बेयरिंग जो है कटता है इससे।
रोकी दो। तो हैंडल रेसर जब भी हम लगाते हैं तो लगाने के बाद हम कभी भी जो है इस तरीके से शॉकर पकड़ के हमने ऐसे चेक नहीं किया है, हम डायरेक्ट जो हैंडल जो सेट करते हैं वो इस तरीके से सेट करते हैं, आपको बता रहे हैं। इसके लिए देखिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ ऐसे हैंडल को घुमा के देखना होता है ये कैसे घूम रहा है, थोड़ा सा दूर से लो हैंडल भी, ये हैंडल कितना फ्री है इसके हिसाब से हम काम करते हैं। उंगली हटा, अब देखिए मैं यहाँ से टाइट करूँगा हैंडल को, जब ये इस नट को टाइट करते हैं तो ये प्लेट जो है थोड़ा बैठता है और फिर हैंडल जो है एक जगह पर आता है। ये देखिए ये हैंडल का नट टाइट करने के बाद जो है अब हैंडल जो है थोड़ा सा धीमी गति में आया, पूरा फ्री नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल जो रहना चाहिए बिल्कुल वही है। अब यहाँ पे हमें 2 बार 4 बार या 10 बार हमें बार बार इस तरीके से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो है ऐसे हमने फुल टाइट कर दिया। अब हमने इसके ज़रिए से अंदाज़ा लगा लिया कि हैंडल ना टाइट है ना लूज है और ये आवाज़ भी नहीं करेगी, ये बिल्कुल फ्री है, जो नॉर्मल रहना चाहिए जिस तरीके से चलना चाहिए बिल्कुल उसी तरह है। अब कुछ भाई लोग क्या कहते हैं कि भैया अभी हैंडल जो है ना, हमने हैंडल रेसर जो लगाया है आगे चल के ये बैठेगा और ये लूज हो जाएगी तो फिर आपको एक बार टाइट करवा लेना है, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। रेसर अगर आप एक बार अच्छे तरीके से बैठा देंगे, इसमें ठोक देंगे तो वो बार बार नहीं बैठता है, ठीक। और अगर रेसर ख़राब होगी, कंपनी गलत होगा, लोकल होगा, तो उसमें क्या होता है कि रेसर लगाने के बाद वो रेसर जो है गोली बेरिंग जो है वो घिसता है और बार बार लूज होती है। तो अगर बार बार लूज होने की समस्या है तो हो सकता है बॉल रेसर सही ना हो या फिर रेसर को सही से आपने शुरू में बैठाया नहीं होगा,